हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम गोरखवाणी के बारे में पढ़ने जा रही हैं, जिसके संपादक जो है वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी हैं। तो UPHESE का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमें ये दिया गया है, गोरखवाणी जो है हमें पढ़ना है। इसके कुछ पद जो है हमें दिए गए हैं, तो इसमें लगभग 25 पद जो है वो दिए गए हैं पढ़ने के लिए। तो उन्हीं की व्याख्या जो है मैं करवाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके अलावा भी बाकी पद करवाए जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके बाकी पद भी मैं करवा दूँ। फ़िलहाल तो जो उसमें दिए गए हैं उन्हीं पदों पर हम चर्चा करेंगे। तो गोरखवाणी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इनके पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ते हैं। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी का जन्म जो है 13 दिसंबर 1901 उत्तराखंड में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गौरी दत्त बड़तवाल है। इनकी मृत्यु 24 जुलाई 1944 को हुई थी। और इनके लिए विशेष जो है बात वो ये है कि हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले ये पहले भारतीय थे। यानी कि हिंदी साहित्य में जो डीलिट की उपाधि होती है, डॉक्टर की उपाधि होती है, उसको पाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। अब इनकी कृतियों की बात करते हैं कि इनके द्वारा लिखी गई रचनाएँ कौन कौन सी है। तो इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं रामानंद की हिंदी रचनाएं वाराणसी विक्रम संवत 2000, डॉक्टर बड़तवाल के श्रेष्ठ निबंध संपादक श्री गोविंद चातक, गोरखवाणी, कवि गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन व संपादन, सूरदास जीवन सामग्री, मकरंद संपादक डॉक्टर भागीरथ मिश्र, किंग ऑर्थर एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल का हिंदी अनुवाद, ये जो है बच्चों के लिए लिखी गई थी, कड़ीड़ी पाव, गंगाबाई हिंदी साहित्य में उपासना का स्वरूप, कवि केशवदास, योग प्रवाह संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद, प्राणायाम विज्ञान और कला, ध्यान से आत्मचिकित्सा। तो ये जो थी वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। तो चलिए अब हम अपने आगे जो है हमें पढ़नी है गोरखवाणी, इसके ऊपर आते हैं और इसके पदों को जो हम देखेंगे। तो गोरखवाणी जो है वो गोरखनाथ के पदों का संकलन है। तो केवल इसमें जो है गोरखनाथ के ही नहीं, अन्य जो नाथपंथी है उनका भी संकलन जो है, उनके पदों का संकलन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। तो भक्ति काल में जो है हम तीन तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। तो गोरखनाथ जो थे वो नाथपंथी थे, तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, उनका संकलन है, उनके पदों का संकलन है। जो नाथ साहित्य है उसमें नाथों की जो संख्या है वो 84 है, उसी के अंतर्गत गोरखनाथ जी आते हैं। और गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो थे मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ के नाम से जिनको हम जानते हैं। तो ये थोड़ी बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखिए, क्योंकि परीक्षा में इन पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो और गोरखनाथ जो थे वो नाथपंथी, यानी नाथपंथी जो विचारधारा है उस पर आधारित इनकी बात थी। इन्होंने नाथपंथी थे ये लोग। और गोरखवाणी में जो है गोरखनाथ और जो अन्य नाथपंथी थे उनकी पद जो है वो संकलित है, ये हो गया। अब गोरखनाथ का जो पंथ है वो षट दर्शन पर आधारित है, तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनका दर्शन जो है वो, इनका जो वो है षट दर्शन पर आधारित है। और उनके अनुसार जो है आत्मा की खोज करने के लिए जो है कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रभु परमात्मा सबकी खोज में लोग लगे रहते हैं, तो उनके लिए कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह मनुष्य के स्वयं के भीतर ही है।
जैसे लकड़ी के भीतर ही अग्नि है, बीज के भीतर ही जो है हमें वृक्ष देखने को मिलता है। बीज से ही क्या बनता है, वृक्ष बनता है। तो बीज के भीतर ही वृक्ष है और फूल के भीतर ही सुगंध है। तो इसी प्रकार जो है परमात्मा जो है हर व्यक्ति के अंदर निवास करता है। तो यही षट दर्शन पर इनकी बात जो है वो आधारित है। तो अब जो है हम गोरखनाथ, जो गोरखवाणी है उसके जो विशेष रुचि है उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण है गोरखवाणी के अंतर्गत वो देख सकते हैं। और इस बुक की जो है, इस पुस्तक की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। तो आप सभी मेरे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF फाइल जो है वो अलग अलग विषयों की जो है उपलब्ध हो जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके लिंक जो है उसमें दे दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो इसकी विशेष सूची है गोरखवाणी के अंतर्गत वो है, इसमें हमें शब्दी पद शिष्यादर्शन प्राण संकली नर वैबोध आत्मबोध अभय मात्रा जोग 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरख बोध रोमावली ज्ञान तिलक और पंचमात्रा। तो ये जो है गोरखवाणी के अंतर्गत ये पॉइंट जो है वो आते हैं। तो इन सारे बिंदुओं को ज़रूर देखिएगा। तो परीक्षा में हो सकता है इनके नाम भी पूछ ले, तो एक बार इन सबको ज़रूर देखिएगा कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो चलिए अब हम इनके पदों की जो है व्याख्या जो है वो शुरू करते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि इसका मुख्य है। जो हमें पद की व्याख्या जो है वो मुख्य रूप से दी गई है, पदों की व्याख्या। तो इसमें मैं वही पद करवा रही हूँ जो कि हमें सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पद है बसंती न शून्यम शून्यम न बस्ती। सॉरी, यहाँ पे बस्ती है, बसंती हो गया। बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती अगम अगोचरी ऐसा गगन सिसर मही बालक बोले ताका नाव धुर हुगे कैसा। तो इसकी जो भाषा है वो उस समय की है, तो थोड़ी जो इसकी भाषा है अलग में देखने को मिलती है। तो इसमें कहा गया है कि जो परमपिता परमेश्वर है वह अगम अगोचर है। तो अगम यानी कि जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता, तो इस परमात्मा तक जो है किसी की पहुंच नहीं है। और अगोचर यानी कि जहाँ पे किस जो इस विषय को कोई भी नहीं समझ सकता, इंद्रियां जो है हमारी वो इस विषय को समझ नहीं सकती क्योंकि ये ऐसा अगोचर है। तो इस ईश्वर को बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, तो इस ईश्वर को ना तो हम बस्ती कह सकते हैं और ना ही हम इसे शून्य कह सकते हैं। यानी शून्य मतलब ज़ीरो, यहाँ बस्ती यानी कि जो बस्ती होती है वो हो गई और शून्य से शून्य हो गया, यानी ज़ीरो हम ले सकते हैं कि शून्य कह सकते हैं। तो जो प्रभु परमात्मा होते हैं ये बस्ती यानी कि भाव और शून्य यानी कि अभाव दोनों से परे हैं, इनसे ऊपर हैं। गगन शिशिर मही बालक बोले ताका नाव धुर हुगे कैसा। तो वह तो आकाश में बोलने वाला बालक है। तो यहाँ पर जो है ईश्वर को आकाश में बोलने वाला जो है बालक बताया गया। ईश्वर का जो निवास स्थान है वो आकाश में माना गया है, तो इसलिए उसको आकाश में ही उसकी जगह यहाँ बताई गई है। और बालक इसलिए कहा है क्योंकि जो बालक होता है वो पाप पुण्य अच्छाई बुराई जन्म मरण हर चीज़ से दूर होता है, निर्लेप होता है हर चीज़ से। इसलिए यहाँ ईश्वर को जो है बालक के समान कहा गया है। ताका नाम धर हुगे कैसा, यानी कि उसका नाम जो है कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि ईश्वर का तो जो है वो नाम और स्वरूप दोनों से ही ऊपर होता है, उनसे बहुत ही हटके है, उनसे अलग है।
तो यहाँ उन्होंने यही कहा है कि जो बस्ती न शून्यम, यानी कि ईश्वर जो है ना, तो उसको पूरी बस्ती कही जा सकती है, ना ही उसको शून्य कहा जा सकता है, क्योंकि जो प्रभु परमात्मा है, ईश्वर है, इस इतना अगम अगोचर है, तो ना ही हम उस तक किसी की भी पहुंच नहीं है, उसको ना तो हम बस्ती कह सकते हैं, ना ही हम शून्य कह सकते हैं। वो तो आकाश में बोलने वाला बालक के समान है, और उस ऐसे ईश्वर का जो है कोई नाम कैसे रख सकता है, क्योंकि ये इन सब से ही परे है, इनसे ऊपर है। तो चलिए अब अगला पद अपना देखते हैं। अगला पद है छठा पद। वेदे न शास्त्रे कतेवे न कुराणे पुस्तके न बखिया जाई ते पद जावा बिरला जोगी और दुनी सब धंधे लाई। तो यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि वेदों, शास्त्रों और कतेवे यानी कि किताबों, जो धर्म की जो किताबें होती है, वेद, शास्त्र हो गई, जितनी भी धर्म की किताबें हो गई, कुरान हो गया, सभी ग्रंथों में जो है जिस जो है इस परमपिता ब्रह्म का जो है वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसका बखान जो है वो नहीं कर सकते। ते पद जावा बिरला जोगी, उस पद को जो है केवल बिरले जोगी ही समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, और बाकी जो दुनिया है वो इस माया में लिप्त है, अपने धंधों में, कार्य व्यवहार में जो है वो लगी रहती है। तो दुनिया जो है इस माया में जो है फंसी रहती है, उन्हीं में लगी रहती है, लेकिन इस जो पुस्तकें हैं जिसमें इस ईश्वर का वर्णन है, उसको केवल विरले जोगी ही समझ सकते हैं। अगला पद है हसीबा खेलीबा। यहाँ पे जो शे प्रयोग हुआ है उसको मैं बता दूँ, जो पुरानी पुस्तकें हैं उसमें ख के लिए जो है वो इस प्रकार से जो है प्रयोग होता था, श का प्रयोग होता था, श का प्रयोग जो है वो ख के लिए होता था। तो आप इनको जो है ध्यान में रखिएगा, इस यहाँ पे श से तात्पर्य ख से है। तो यह है हसीबा खेलीबा रहीबा रंग काम क्रोधना क्रिया संग हसीबा खेलीबा। यहाँ पे गगड़ा हो गया है, गाइबा है, गाइबा गीत दिड़ करी रासी अपना चीत। तो यहाँ कहते हैं कि हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, और रहिबा रंग यानी कि अपने रंग में रंगना चाहिए, यानी कि खुद में मस्त रहना चाहिए, कभी भी जो है काम क्रोध जो है वो नहीं करना चाहिए, काम क्रोध का साथ जो है कभी भी नहीं करना चाहिए, हंसना खेलना चाहिए और गीत भी गाना चाहिए, किंतु अपने चित्त को जो है हमेशा दृढ़ करना चाहिए, वो कहीं भी दूर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो है तात्पर्य यही है कि जो योगी होते हैं या फिर जो जिनको इस ईश्वर की समझ होती है, वो इस संसार में तो लिप्त होते हैं, इस संसार में भी लिप्त होना चाहिए, लेकिन पूर्णतया जो है वो लिप्त नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान जो है, अपना चित्त जो है इस प्रभु पे रखना चाहिए। तो अगला पद है मोहम्मद ममहद ना करी काजी मोहम्मद का विषय विचारम मोहम्मद हाथी अर्थ जे होती लोहे घरीना सारम। तो यहाँ इस पद में कहते हैं कि हे काजी तुम मोहम्मद मोहम्मद ना करो, क्योंकि तुम मोहम्मद को जो है जानते ही नहीं हो, उसको समझते ही नहीं हो, और इसलिए जिसको जानते नहीं हो उसका नाम क्यों ले रहे हो, और अगर तुम समझते हो कि तुम इस जीव हत्या का, जो अगर मुसलमानों में देख ले तो वह जीव हत्या करते हैं, तो जीव हत्या का करके जो है तुम समझते हो कि मोहम्मद का अनुसरण कर रहे हो, उनके विचारों को जो है अपने
अनुसरण कर रहे हो, उस पर चल रहे हो, तो बता दें कि जो मोहम्मद का विचार है वो बहुत ही गंभीर और कठिन है। उनके विचारों पे चलना जो है बहुत ही मुश्किल है। मोहम्मद हाथी अर्धजेय, और मोहम्मद के हाथ में जो छुरी है वह ना तो लोहे की है और ना ही जो है इस्पात की, जिससे जीव हत्या होती है। तो मोहम्मद ने तो ऐसा कभी सिखाया नहीं कि जीव हत्या की जाए। उनके विचार जो है इन सब से बहुत ही परे है, जिनको समझना जो है लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। आगे का पद है, नाथ कहा सब जग नाथिया, गोरख कहता गोई, कलमा का गुण मोहम्मद होता, पहले मुवा सोई। तो यहाँ जो है वो कहते हैं, इन पदों में जो है कहा गया है कि शब्दों के अर्थ जो है वो शब्दों के ब्रह्मार्थ पर नहीं जाना चाहिए। कभी भी जो है शब्दों के ब्रह्मार्थ पर नहीं जाना चाहिए। उनके जो तत्वार्थ होते हैं उनसे जो अर्थ निकलता है उनको ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि माया को जो वश में रखने वाले नाथ का नाम लेते हुए भी सारा संसार इस माया के द्वारा ही नथ डाला गया है। नाथ कहा सब जगनाथिया, तो जब ये माया को जो वश में रखते हैं, यानी कि जो ईश्वर है ये नाथ है, उन्होंने जो इस संसार को जो है माया के वश में ही सबको नाथ रखा है और उसी के द्वारा सबको नाथ डाला गया है। और गोरखनाथ का नाम लेते हुए भी आध्यात्मिक जीवन भी कहीं गुमसा हो गया है। और तो गोरखनाथ को याद करते हुए, उसका नाम लेते हुए, गोरख का नाम लेते हुए लोग जो है उसमें गुम हो गए हैं। आध्यात्मिक जीवन ही लोगों का गुम हो गया है। कलमा का गुरु मोहम्मद होता, जिस प्रकार से खाली कलम से किसी भी प्रकार का शब्द जो है वो नहीं निकलता, उससे किसी का उद्धार नहीं हो सकता, उसी प्रकार से कलम को चलाने वाले मोहम्मद भी इससे बचे ना रह सके। तो इसका जो असर है उसे जो भी मोहम्मद है वो भी इससे बचे नहीं रह सके। यानी कि जो ये माया जो रची गई है ईश्वर के द्वारा, इस नाथ के द्वारा, उससे कोई भी नहीं बचाएगा। संसार तो इसका नाम लेते हैं इस नाथ का, लेकिन इस नाथ ने क्या किया, सबको इस माया में नाथ डाला है, फंसा दिया है, घुमा दिया है लोगों को। और जो ये गोरखनाथ का जो नाम ले रहे हैं, गोरख का यानी ईश्वर का जो लोग नाम ले रहे हैं, वो भी इसमें गुम हो गए हैं। तो जिस प्रकार से जो है खाली कलम जो है किसी का उद्धार नहीं कर सकते, उसी प्रकार से ये जो मोहम्मद में भी जो है वो इसमें रम गए हैं, इसमें डूब गए हैं, वो भी इससे बच नहीं पाए हैं। अगला पद है सारम गहरी गंभीरम, गगन उछलिया नादम, मानिक माया फेरी लुकाया, झूठा वाद विवादम। तो यहाँ जो है इन पदों में कहा गया है कि साधना के द्वारा ब्रह्मांड तक पहुँचने पर जो है अनाहत का नाद जो है वो सुनाई देता है, जो सार का भी सार और गंभीर से भी गंभीर है। तो साधना के द्वारा जब कहीं पहुंचा जाता है, इस ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, तो इसका जो स्वर है वो ईश्वर का जो स्वर है वो सभी को सुनाई देता है, ये नाद जो है वो सुनाई देता है गगन में। और ये जो ऐसा है जो सारों का भी सार है, ये नाद ऐसा है जो सारों का भी सार है और गंभीर से भी गंभीर है। इससे इससे ब्रह्मानुभूति रूप मानिक हाथ लगे, यानी कि मोती जो है, माणिक यानी मोती
वो हाथ लग गया है इस ब्रह्म की अनुभूति से। ब्रह्म यहाँ जो है माणिक यानी मोती जिसे कहा गया है वो ब्रह्म की अनुभूति है, उसको माणिक कहा गया है। तो जब साधना किया गया तो साधना के द्वारा इस ब्रह्म की अनुभूति हुई है, तो साधना के द्वारा जो है ब्रह्म रूपी माणिक जो है हाथ लग गया है। परंतु जब वह माणिक जो है व्यक्तिगत साधना से प्राप्त होने पर भी दुनिया के लिए छिपा ही रहा, जब वह किसी को बताया नहीं जा सका, तो इस प्रकार ईश्वर के मिल जाने पर ज्ञान हुआ कि सारा वाद विवाद जो है वो झूठा है। जब ईश्वर की प्राप्ति सबको हो जाती है तो सारा विवाद सारा संसार जो है वो झूठा प्रतीत होता है। अगला पद है उत्पत्ति हिंदू जरणाम जोगी अकलपरी मुसलमानी तेरा चिन्हों हो काजी ब्रह्मा विष्णु महादेव मानी। तो इन पदों में जो है वो कहा गया है कि उत्पत्ति से हम हिंदू हैं, उत्पत्ति से हम हिंदू हैं, और जन्म के कारण जो है वो जोगी हैं, और अकल से जो है मुसलमानी पीर। तो जो जोगी हिंदू मुसलमान में जो है जो जोगी होते हैं वो हिंदू समुदाय में जो है चेला बनाते हैं, और योग सिद्धि के लिए जो है उस ज्ञान को जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो जोगी लोग जो होते हैं वो पीर को मानते हैं, जो सिद्ध जोगी लोग जो होते हैं वो योग साधना के द्वारा जो है बनाते हैं, गुरु होता है उसमें चेला होता है, तो वो चेला, और मुसलमानों में जो है पीरों को माना जाता है। तो यहाँ पे जो है यही कहा गया है कि योग मार्ग पर जो है किसी के लिए कोई फर्क नहीं है। अगर धर्म की बात किया जाए तो हिंदू में योगी जो है वो बनाते हैं चेला, गुरु चेला होता है, और मुसलमानों में पीर का प्रथा चलती है। लेकिन जो असली में होता है उसमें चाहे वो योग मार्ग पे कोई हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए समान ही है। योग मार्ग में उसी प्रकार गुरुओं का स्थान होता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता। नाथों में भी पीर को स्वीकार कर लिया गया है, उसमें कोई भी अंतर नहीं किया। तो यहाँ पे जो है इसलिए कहा गया कि उत्पत्ति से, अगर धर्म की बात की तो उत्पत्ति से हिंदू है, जन्म से जोगी, और अकल से मुसलमान है, यानी कोई भी किसी भी जाति का नहीं है। और तेरा चिन्हों हो काजी, कि हे मुसलमानों, हे काजियों, और उस मार्ग को जो है तुम पहचानो जिसे ब्रह्मा विष्णु और महादेव ने भी माना है। तो ऐसा रास्ता चुनो जिसको इस ईश्वर ने भी माना है, कि जहाँ पे कोई भी भेदभाव, कोई भी अंतर नहीं किया गया है। तो चलिए आज हम इतने ही पदों की जो है व्याख्या करते हैं, बाकी के जो पद हैं वो मैं आगे के अगले वीडियो में कर दूँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।